तो हेलो जी, आज हम रिव्यू करेंगे XUV 700। मेरे दोस्त ने ली है, अभी दो तीन हफ्ते ही हुए हैं, तो बस हम रिव्यू ले रहे हैं। अभी बेचारा चाबी ढूंढ रहा है, उसको पता नहीं है कि चाबी है कि नहीं। स्टार्ट करके हम ले तो आए घर से। तो ये है गाड़ी, अभी तो टेम्परेरी नंबर है। बहुत ही मस्त चलाने में, इतनी लाइट अभी चलाई तो मतलब जैसे मेरे पास पहले स्विफ्ट थी तो उतनी ही उससे भी शायद लाइट लाइट वाली फील इसके अंदर आ रही थी। तो लुक वाइज बहुत ही बढ़िया। अब वो अपना फ़ोन से पता नहीं इसको ऑन ऑफ कर रहा है, पता नहीं क्या, पर चाबी तो अंदर ही, क्योंकि स्टार्ट हो गई थी वापस जब हमने की थी। तो बाकी अब हम देखते हैं इसका क्या है। तो ये पहले तो आपको देते हैं इसका बाहर से ओवरव्यू। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये वाले हैंडल्स हैं, ऐसे करके खुलते हैं। अंदर की भी है अगर आप ध्यान से देखो लगाने के लिए, अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल नहीं खुल रहा तो ये करो, जैसे ही खोलोगे सबसे पहले तो आपको ये वेलकम वाली सीट पीछे ऊपर नीचे आपकी सेटिंग के हिसाब से देखो, जैसे नीचे भी हो रही है वो भी होगी। उसके बाद आप बैठोगे तो वापस आगे हो जाएगी। जब आप बैठते हो जैसे मैं बैठ गया, तो अभी हो तो कुछ भी नहीं रहा शायद, चाबी नहीं है। एनीवेज इसको करते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है तो इसकी चाबी अंदर ही होनी चाहिए, पता नहीं कहाँ है। तो ये है, ये इसका गियर, एक छः गियर उठा के पीछे का लगता है। जैसे अगर ये लगाया तो यहाँ आपका विद वो है, आपकी गाइडलाइंस हैं बीच में ऑरेंज सी अगर आपको दिख रही हो। और ये इसकी बड़ी सी डिस्प्ले, मस्त एकदम। अब हम चाबी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वैसे गाड़ी चलती जा रही है। तो कनेक्ट हो गया उसका फ़ोन इसके साथ, और ये इसका स्टेयरिंग, ये उसके सारे, और इसमें एलेक्सा कनेक्टिविटी भी है। तो अभी एलेक्सा वाला करके दिखाइयो कैसे होता है। छत खोल, एलेक्सा को बोला चाबी ढूंढ, चाबी बाद में ढूंढेगी वो, पहले वो तो बोल इसको क्या करना है। ये ऑटो वाला है बट इसमें नहीं है, ऑटो वाला नहीं है। ओके, तो ये मैनुअली है ऐसे करने वाला। ओके, और चल कर पहले चाबी देख के आते कहाँ पे। खाली कोई, इसमें चश्मा भी रखा हुआ है इसमें। ये है, एक और बोल तो सही एलेक्सा वाला सिस्टम। एलेक्सा थोड़ी सो गई एलेक्सा। ओपन द सनरूफ। ओके बोल के उसने खोल दिया धीरे धीरे, पर ये पूरी खोलेगी क्या? ओ ये पूरी खोल दी, तो बस था। कर दे भाई बंद, गर्मी बड़ी है। तो यहाँ पे इसके SOS वगैरह वाले भी हैं फीचर्स, पता नहीं क्या क्या पूरा करना है बंद। ये अगर इमरजेंसी में ये सारा खुलना, ये लाइट वगैरह, हाँ बंद ही कर दे यार भाई, गर्मी बड़ी है। ये इसके यहाँ सारे मोड्स वगैरह आते हैं। Alexa. और ये आपका वाइपर का इधर से चलता है नॉर्मल साइड। ये आपके इंडिकेटर लाइट, इसके अंदर ऑटो हेडलाइट है ना, अभी ऑटो हेडलाइट है, ऑटो वाइपर्स नहीं है, ऑटो हेडलाइट। और ये मेमोरी फंक्शंस इसके सारे, और ये शायद इसके जिप जैप जू पता नहीं क्या जो मोड्स वाला है वो है, बड़ा सुंदर सा हैंड ब्रेक। और ये शायद वायरलेस चार्जिंग, अच्छा यहाँ है अंदर। और ये आपका ये फास्ट चार्जिंग का, USB का, अभी ये फास्ट वायरलेस चार्जिंग है इसमें? इसमें नहीं है वायरलेस। तो ये क्या है, वैसे ही है ये फ़ोन रखने, वैसे ही है मतलब फ़ोन रखने को, और ये वैसे ही। ओके, ड्यूल AC है आपका, अलग अलग दोनों का, इधर का अलग उधर का अलग। ये ग्लव का मार्डमेंट बेचारा चाबियाँ ढूंढ रहा है, पता नहीं घर कैसे जाएगा यहाँ से, 100 किलोमीटर के आसपास घर है इसका, पहुँच जाए। फोन से भी हो जाती है। अरे जाना तो है पर इसमें फोन से ओपन हो जाती है, टेंशन नहीं। और बता अभी क्या तेरे अभी तक के रिव्यू, छोड़ दे मिल जाएगी चाबी, यही होगी स्टार्ट हो रही चाबी के मिलने। बता बता भाई रिव्यू दे कैसी है गाड़ी, कैसे लग रही है अभी तक, क्योंकि तू वरना से अपग्रेड किया है। गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बड़ी बहुत है, चलाने लगो। हाँ पर इतना लाइट बड़ी है, जैसे आप चलाते हो बहुत ही, मतलब मेरे को स्विफ्ट याद आ रही है, मतलब मेरे पास कुशाक है, कुशाक इससे ज्यादा हैवी लग रही थी मेरे को चलाने में। ये बहुत ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, ये ऑलरेडी बता रही है, जैसे मैंने ऐसे किया तो चेक टायर डायरेक्शन। अच्छा तो सही है, ये क्या है अभी समझा भाई, ये तो शायद वो फास्ट अगर जल्दी करना हो ना वो दो ठंडा करने के लिए, ये प्लस स्पीड फैन की, ये माइनस, ये ऑटो क्या, ऑटो AC, अच्छा ऑटो AC, ओके ओके हाँ हाँ ठीक है। अच्छा
बंद ही कर दिया इसने एसी भाई, गर्मी है चला दे प्लीज। चला दिया चला दिया। इसकी डिस्प्ले है सबसे बढ़िया, तो चलता है कैसे आई डोंट नो। अभी ये क्या, इससे क्या जिप जैप वो इससे म्यूजिक भी हो जाता है, कॉल्स वगैरह लेनी है तो ये बटन है। अच्छा यार इसके अंदर वो सिम पड़ी हुई है, उसके 5000 का रिचार्ज होता है भाई, तो फिर 2-3 साल बाद कब होता है? 2 साल के बाद। एड्रेनोक्स ऐप है जिससे, हां एड्रेनोक्स है ये, बेचारे को बोलना भी नहीं आता, गाड़ी ले ली है इसने जो भी है। तो ये है जिसका, इसका अपना मैप है वैसे, गूगल मैप अगर अपने फोन से कनेक्ट करते हो, एप्पल है ना वो भी है, सारा वायरलेस है। एप्पल कारप्ले होता और एंड्रॉइड ऑटो होता है ना, कारप्ले जो भी, हाँ तो वो दोनों इस पे चलते हैं। अरे पूरी एक्चुअली एक ही डिस्प्ले से लगती है, पर है दो पार्ट्स में, एक ये आपको दिख रही होगी वन, और ये सेकेंड। इसमें काफी सारे हैं, कुछ करके दिखाया यार, करके दिखाओ वहाँ से सेटिंग्स चेंज करके वो लेन असिस्ट वगैरह, चलते हैं बाद में हाईवे में, पहले चाबी लेके आते हैं घर पे। चाबी नहीं है सच्ची में? नहीं है। हाँ, चल घर चलो भाई, पहले तो ना चाबी लेके आते हैं तो उसके बाद करते हैं। तो जी अब हम आ गए हैं पीछे, अब हमारे सुनील जी ये तो बता रहे चलाएंगे। चाबी कहाँ से मिली है? चाबी मिली मेरी जेब में से, पूरा ढूंढवा के चाबी में रखी थी जेब में। अब ये लगा रहे हैं जी सीट बेल्ट, क्योंकि उसके बिना बहुत टू 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 करती है उसको भी डाउट तो हो गया था चाबी का। अच्छा जी यहाँ से देखो मस्त, इसका बड़ा सा पैनोरामिक सन रूफ मून रूफ जो भी रूफ। ऐसे क्या दिखे, खोलना पड़ेगा? नहीं नहीं खोल दी भाई, बड़ी गर्मी है ना, खोली ना खोली ना, गर्मी बहुत है। ये दिखाते पीछे काफी कंफर्टेबल, बड़ी बड़ी सीटें हैं, बहुत बड़ी बड़ी सीटें हैं, जगह बड़ी है। इसने पीछे तो पीछे वाली दोनों सीटें से बिठाई हैं। और भाई तो ये है AX7, एक इससे ऊपर आता है लग्जरी शायद। ये AX7 का मैनुअल है डीजल। तो एवरेज अभी कितनी दे रहा है तेरी, 5-6? मगानी मतलब दूसरे किसी की भाई दे। कैसी है भाई, दे अपने फीडबैक तू, उसको चलाने दे पहले। सही बात है, है ना स्मूथ, छोटी गाड़ी वाली फील है ना पूरी, स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है, बहुत लाइट है, मतलब फील ऐसे लगता है छोटी गाड़ी चला रहे हो आप, जैसे i10 चला रहे हो। ऊपर रहा एक मरने के लिए आ रहा आगे, खतरों के खिलाड़ी जा रहे हैं हमारे यहाँ। और ये पठानकोट के एवर बिल्डिंग रोड्स, हमेशा टूटे रहते हैं, हमेशा बनाए जा रहे होते हैं। रोड थोड़ी टूटा हुआ है, चल अभी डिवाइडर तोड़ा हुआ है, पर कुछ कुछ चला रहता है जी हमारे। रोड कभी मैंने जुड़े नहीं देखे हमारे, पर खैर एनीवेज। और ये हाईवे है वैसे, ये होम लोकेशन मेरी, इसने अपना उठा ली। हाँ वो चल पड़ा हुआ है इसके ऑटोमेटिकली, गाड़ी देखो कितनी समझ आ रहा है एक्स्ट्रा ही, कि उस डायरेक्शन में चला तो उसने इसका नैनी खड़ की डायरेक्शन लगा ली। तो किसी को भी डलोजी जाना हो तो इसके घर रुक के जाए। मेरा कनेक्टेड है क्या? अच्छा अभी नई नई गाड़ी है, पता नहीं चल रहा बेचारे को इसको भी। अच्छा अभी अब बता अपने फीचर, लेन असिस्ट सुस्ट समझा जरा। लेन असिस्ट वैसे कैसे समझाऊं, जो चलाऊंगा जब बताऊंगा ना। अच्छा चल फिर बाद में चलाइयो फिर बताइयो, फिलहाल तो जी ऐसा है। सुनील जी आप बताओ अपने रिव्यू अभी तक। एसी तो बढ़िया है इसका, मेरे को मजेदार लग रहा है, पीछे बैठा हूँ ना, अच्छी है। कल ये कह रहा था नहीं एसी हवा नहीं आने वाली इसमें, बड़ी गाड़ी। ए ऐसे साइड पे गर्म ही है अभी, हैं ऐसे गर्म ही, पर एसी वैसे ठीक है। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, एसी बढ़िया है पर इसका, पर वही टाइम लगेगा, गाड़ी बड़ी बड़ी है ना। नहीं नहीं एसी का फैन उस पे किया था अब हम क्या। हां अब सही लग रहा है मेरे को, नहीं बस बस है फिर हवा इसमें जल्दी ठंडी हो गई थी यार, अच्छा बैठा था मुझे पता। मैं तो मोड़ा था कम कर नहीं, सही है गाड़ी तो बहुत ही बड़ी मस्त, और लग रहा है वाकई वाकई बढ़िया गाड़ी, लग्जरी टाइप है फीलिंग, पूरी फीलिंग आ रही। स्टीयरिंग तो सही है इसका यार, ज्यादा पूरी हां स्टीयरिंग में वो है थोड़ा शायद वो, पर शहर के लिए ठीक है ना, अगर आपको शहर में चलानी है तो बहुत बढ़िया चीज है। हाईवे पे अभी तो स्पीड में चलेगा तो अपने आप थोड़ा सा हैवी होगा। अबे हाईवे पे तो अभी वो हाईवे मतलब अभी इतनी स्पीड में नहीं है ना वो, हां जब स्पीड बढ़ेगी तो ओके टाइम तो मैं हैवी चाहिए। हाँ मतलब बहुत बढ़िया वाली बात है इसका, जो भी इन्होंने कैलिब्रेशन की हुई है कि शहर के अंदर के हिसाब से बहुत लाइट, मतलब इतना बड़ा ट्रक जैसी गाड़ी चला रहे हो फील नहीं आती, लाइट सी लगती है और चलती बहुत स्मूथ है। पिकअप भी है, गाड़ी का साइज देखो तो पिकअप बहुत बढ़िया है इसकी। बेस्ट तो मेरे को अभी तक लाइट्स लगी थी, मैं देखे गया था। अच्छा हाँ इसकी वो है ऑटो बूस्ट अप होती है ना कुछ ऐसा है भाई, मेरी वरना की बेचारी की एक लाइट और इसमें कॉर्निंग लाइट्स है तो इसके लिए वो भी बढ़िया चीज थी, कि जिस तरफ को गाड़ी का आप स्टीयरिंग मोड़ते हो उस तरफ वाली फॉग लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। और इसमें आई थिंक, पर इसमें जो फॉग लाइट है वो LED है, हाँ वो थोड़ा सा अजीब बात है, वो येलो लाइट होनी चाहिए, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया कि पक्का नहीं पता।
लाइट तो होती येलो शायद, येलो होनी चाहिए। और इसको फोन आ रहा है तो काट दिया। जाने सीधी जाने दे, मैं लेन असिस्ट बताता हूँ अभी। अच्छा हाँ, लेन होनी भी चाहिए ना, इसलिए वहीं बताएगा। तो अब हम आपको मिलते हैं जब हमारा ड्राइवर हो जाएगा चेंज, फिर आपको लेन असिस्ट समझाते हैं क्या है। तो जी हमारा अब मेन ओनर बैठ गया गाड़ी पे, वो अभी लगा रहा है, सेटअप कर रहा है, अभी बताएगा हमें लेन असिस्ट कैसे, मतलब ADAS फीचर जो इसका है। अब बेइज्जती होगी तो होगी, अब क्या कर सकते हैं। बट सेटअप कर पहले, तो सेटअप तो बता। सेटअप ये यहां पे जाना होता है सेटिंग्स पे। कहां है सेटिंग, उधर आ रही है, ऊपर ऊपर आ रही है, दिख रही है पता नहीं। ओके सेटिंग्स में जाके फिर उसके बाद तो तेरा ड्राइवर असिस्टेंस है ये, मतलब वन टाइम है, आपकी मर्जी है। मैंने ऑफ कर रखा है तो मेरे को पहले हुआ ड्राइवर असिस्टेंस में जाके लेन कीपर सिस्टम जाना है, लेन कीपर सिस्टम इसको जैसे मैंने ऑफ किया है तो इसको ऑन करना है। दो ऑप्शन है, वार्निंग, दूसरी वार्निंग देगी। वार्निंग का सिस्टम सही है, वार्निंग का सिस्टम में आपका स्टीयरिंग वाइब्रेट होता होगा ना, वाइब्रेट भी करेगा और अपने आप घूमेगा। ठीक है कर दे ऑन। तो ये हो गया ऑन। ओके जी ऑन हो गया, अब देखते हैं। और ये नीचे ये मैंने देखा नहीं, ये ऑटोमेटिक काम ब्रेकिंग क्या था। ओ भाई वीडियो बन रही है, तू कर क्या रहा है, वो पता नहीं। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं, वो लेन की सिस्टम को पता है। अभी इसके कवर उतारनी है यार, मैं स्लिप हो गया। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग में चलेगी, पता नहीं भाई क्यों तूने ब्रेक मार के देखनी ऑटो है, पीछे वाले ने चार देनी ऊपर ही गाड़ी। चलो जी हम देखते हैं इसका ADAS फीचर, क्योंकि हमारे इस रोड पे पठानकोट के गिने चुने रोडों में से किसी एक पे ऊपर रहा पिकअप भाई। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद इसकी पिकअप मस्त है, है ना। पीछे को धक्का मारती है यार, कवर तूने उतारा नहीं अभी, मैं पता कि स्लिप हो रहा हूं। अभी यहां पे ग्रीन आ रहा ना, इसका मतलब इसने डिटेक्ट कर लिया। अच्छा पूरा दोनों बनी आती थी ना यार, अभी ये देख मैंने छोड़ दिया है। हाँ भाई डर तो लग रहा है अंदर से, बंदे ने हाथ छोड़ दिए। अभी इसका स्टीयरिंग पे ध्यान देना। ओके देखते हैं। ये घूमा ना। ओ हाँ हाँ किया किया, वो कह रही है पकड़ हाथ, कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील बोल रही है। तो इधर वाला भी पकड़ रही क्यों नहीं। हाँ अब चली हो फ्रा, नहीं नहीं मुर्गी 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 चलता है भाई चलता है, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं इसके पीछे क्या करता जाके, अभी थोड़ा सा आंखें अग्गे ओ पर थोड़ा सा मोटा डर लग रहा है यार, डर तो लग रहा है। टेस्ला दोनों है ज्यादा स्पीड में, मतलब इतना रिलायबल नहीं है जैसे अभी मैं इसको अभी चला रहा हूँ। ओके ओके सही था भाई, पिकअप बहुत है भाई। हाँ करी इसने, कम भी की थी, मैं देख रहा था कर रही थी। हाँ कम भी की थी इसने स्पीड जब वो पास आई थी ना, एक्चुअली इसने लेन चेंज, वो तो तूने चेंज की थी लेन, अभी रेस देनी पड़ रही है। हाँ तो वो तो देनी पड़ेगी, उसमें होता ना वो क्या कहता है ऑटोमेटिकली थोड़ी ना चलेगी गाड़ी, वो तो क्रूज कंट्रोल लगाना पड़ेगा। फिर तो क्रूज कंट्रोल में तो अपने आप स्पीड, अभी जैसे ये लेन डिटेक्ट कर रही है, अभी ये लेन डिटेक्ट हो गई ना, अब इस पे आ गई लेन के अंदर, जैसे ही इस तरफ को जाएगी गाड़ी ये अपने आप स्टीयरिंग से की ब्रांड ऑन स्टीयरिंग। बेचारी साथ में वॉर्न करती रहती है कि ऐसे पंगे ना लो मेरे साथ, मतलब सिर्फ मैं असिस्ट कर रही हूं, लेकिन ड्राइवर नहीं है क्योंकि अब ये हां देख रहे टेडी जा रही है, हां चली गई टेडी, तो यू कांट ट्रस्ट नहीं कर सकते इस पे पूरा, क्योंकि ये वरना नारियल वाले पे चढ़ा देती है अभी, फिर नारियल खरीदने पड़ते या नारियल वाला लेके जाना पड़ता। तो वो मेरी वाली गाड़ी जा रही है आगे, बड़ी रेयरली मेरे को दिखती है। ये भी उत्तराखंड का नंबर है वैसे तो, नंबर बढ़िया देख 0123 इसका, पर वैसे बहुत ही बढ़िया गाड़ी लगी, खुली डुल्ली गाड़ी है। और अभी कितने की पड़ी है एग्जैक्ट, मेरे को पड़ जाएगी अराउंड 24 प्लस ही जाएगा, क्योंकि मैंने नंबर वो लेना, तूने नंबर तो चलो हुआ, 450 ईयर वारंटी होगी, एक्सेसरी अभी जो इंपॉर्टेंट है कौन सी वो वाली साइड टायर फुट क्या है, वाओ भी महिंद्रा से वो जो साइड वाले होते हैं वो फुट रेस्ट कहेंगे उसे कहेंगे, जो भी भाई 28,000 रुपए के है ना, 28,000 के लगाते हैं तो बाहर से लगवा लो भाई, 24,000 के लगाते हैं 24,000। तो अभी आपको वैसे गाना मैं लगा के सुना देता हूँ, इसके स्पीकर भी अच्छे, लेकिन वो फिर ना डीमोनेटाइज हो जाएगी आगे, वैसे बड़ी मोनेटाइज हुई है पर कॉपीराइट का बच जाता है भाई, फिर वीडियो में को हटानी पड़ेगी तो इसलिए। तो ये है बाकी इसका इंजन, आई थिंक कितना है 2100 और महिंद्रा का अपना इन हाउस इंजन है, मतलब टाटा और महिंद्रा मेरे को ज़्यादा बेटर ये इसलिए लगेगी नॉर्मली, क्योंकि टाटा का जो फिएट सोर्स इंजन है, इसका जो है महिंद्रा का इन हाउस इंजन है, महिंद्रा के इंजन अपने हैं और बहुत अच्छे, बहुत स्मूथ इंजन है। अब भाई ने दिया हुआ है रेला पूरा मेड इन इंडिया कम्प्लीटली, जैसे मतलब सफारी और मतलब मेरे को बहुत पसंद है, उसकी शक्ल बहुत अच्छी लगती है, शायद इससे भी ज़्यादा मेरे को उसकी शक्ल उसकी पसंद है, बट इसका एक एक चीज़ इंडियन है, वो इसको
ऑफ कोर्स उससे ऊपर जाती है, उसका प्लेटफॉर्म डिस्कवरी का है, ठीक है, और उसका इंजन जो है फीएट का है, और वही चाइनीज एमजी के अंदर भी वही आता है इंजन, इसका इंजन अपना है और अच्छा इंजन है, 2000 प्लस सीसी का इंजन है, और भाई ने भाई साहब भाई धीरे जाना है हमें आगे मैंने तो यही टेस्ट करना है, हमारे वहां तो चली गई पर बड़ी पिकअप है भाई, साइज के हिसाब से गाड़ी देखो तो मस्त है। तो जी ये था, यही था जी इसका रिव्यू या जो भी फालतू बकवास बजी हमारी, बट मस्त गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी, अगर आपका 24 लाख रुपए हैं ऑफ कोर्स इसके ऊपर जाओ, इतनी बड़ी गाड़ी तो कोई भी नहीं मिली, ये कौन आगे थूक रहा है कोई है, उसने स्प्रे चलाया, तूने चलाया नहीं नहीं अगले वाले ने चलाया, उसका ऊपर से बड़ा है, उसके भी गिल्ला है, आगे वाले ने अपना स्प्रिंकलर चलाया गाड़ी, हमारे वाले का भी स्प्रिंकल हो गया पूरे, प्राइस भी बढ़ गया भाई ने ली थी ऑलमोस्ट इसको 24 की पड़ेगी, अब आपको पड़ेगी 24 से भी ऊपर, 80,000 अभी, क्योंकि पहले आता था इसका भारत 6, अब आ गया भारत 6.02 इंजन, तो उससे इसके प्राइस बढ़ गए क्योंकि गाड़ी पहले महंगी है तो और महंगी हो जाएगी, पहले एक शोरूम था 2059, अब है 2130 शायद, 2130 AX7 एक्स शोरूम प्राइस पंजाब के अंदर, उसके बाद ऊपर उसके बाद आपके लगेंगे इसके एक्सेसरी इंश्योरेंस है ना, वारंटी और इंश्योरेंस बहुत महंगी होती है भाई, हमने इसकी करवाई थी, हमने बाहर से करवाई थी, हमने महिंद्रा से नहीं करवाई, फिर भी हमें पड़ी थी 1+3 वाली, मतलब 3 मतलब होता है वो आपका क्या कहते हैं उसको, थर्ड पार्टी की प्लस अपनी एक साल की कॉम्प्रिहेंसिव पूरी एंड टू एंड पूरी करवाई थी हमने, वो पड़ी थी हमें 54 की, जबकि वो महिंद्रा वाले दे रहे थे कम से कम करके, सब कुछ निकाल निकाल के भी 60 समथिंग ही दे रहे थे, सब निकाल दे रहे थे वो, हमने सब कुछ डाल के कराई पर 50 समथिंग की पड़ी। तो ये है जी इसका, बढ़िया गाड़ी है, अब हम आगे जी इसका प्लॉट देखने जहाँ कल को शोरूम पड़ेगा, फिर भाई को वहां से पैसा आएगा, भाई और बड़ी गाड़ी लेगा, तो ये अभी यहाँ खाली है, तो बस यही है, अभी भाई की ईंटें पड़ी हुई है, पता नहीं किसकी, भाई की है शायद, क्या पता। तो ठीक है जी, ये थी गाड़ी का रिव्यू, थैंक यू शेयर, एंड बाकी इसकी मम्मी का फोन आ गया, अब काट रहे हैं, बाय बाय।